अनलॉक की प्रक्रिया में स्कूल्स को खोलने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन सिर्फ हायर सेकेंडरी को। लेकिन लगातार आप लोग भी अपडेट्स देख रहे हैं और आप लोग भी जानते हैं कि जब स्कूल खोले गए थे तो बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। हालांकि स्कूल प्रशासन की ओर से साफ तौर से ये कह दिया गया था कि जो भी बच्चे स्कूल में आएंगे उन्हें अपने पेरेंट्स से लिखित परमिशन लेनी होगी कि वो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में अपनी मर्जी से भेज रहे हैं। स्कूल खोल दिए गए और अभी भी कोविड की लहर चल रही है। हालांकि थोड़ी थमती नज़र आ रही है, कम होती नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी कोविड की महामारी अभी भी चल रही है। और इसी बीच डेंगू की महामारी भी शुरू हो चुकी है और कई जगह पर काफ़ी ज़्यादा केसेस आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन हालांकि अगर सिर्फ कोविड की बात करें तो कोविड महामारी अभी चल रही है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है। और स्कूल खोल दिए गए हैं, बच्चे जा रहे हैं, और जब रैंडमली रैपिड टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए जाते हैं। मैं पॉजिटिव स्टूडेंट्स की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक और अपडेट आई है जिसमें एक स्कूल के 7 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि जो बच्चे पॉजिटिव आए हैं उनके पूरे तरीके से घर पे देखभाल हो जाए, क्योंकि उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है। बाकी स्कूल को पूरे प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया जाए और जितने भी स्टाफ है उन सभी के भी रैपिड टेस्ट कंडक्ट किए जाए। ये जो आपको अपडेट दे रही हूँ, ये प्रिंसिपल HSS लसाना की ओर से एक ऑर्डर निकाला गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जब रैपिड टेस्ट कंडक्ट किए गए उसमें 7 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन स्टूडेंट्स को होम आइसोलेट कर दिया गया है और स्कूल को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि बाकी भी जितने स्टूडेंट्स हैं उन सभी का टेस्ट कंडक्ट किया जाए और ये आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन पॉजिटिव है कौन पॉजिटिव नहीं है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल को बंद कर दिया गया है और बच्चों को होम आइसोलेट कर दिया गया है, और ये स्ट्रिक्टली कह दिया गया है कि जब ये स्कूल खोला जाएगा उसके बाद फिर से COVID-19 के जितने भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जितने भी गाइडलाइंस रहती है, उन सब चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। लेकिन अभी बंद कर दिया गया है और इस ऑर्डर में लिखा है, फर्दरमोर ऑल द प्रिंसिपल्स CEOs हेडमास्टर्स आर आल्सो डायरेक्टेड टू एंश्योर द अधेरेंस ऑफ COVID-19 SOPs गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉलिंग अंडर देयर कंट्रोल। यानी कि जितने भी प्रिंसिपल CEOs हेडमास्टर्स हैं उन सभी से भी ये कहा गया है कि जो COVID-19 के टाइम टू टाइम पे गाइडलाइंस आती हैं, इशू की जाती हैं, उन सभी को फॉलो किया जाए, ताकि इस COVID-19 के पैंडमिक को हम लोग कंट्रोल कर सके। हालांकि ये तो एक अपडेट थी जिसमें ये बताया गया है कि 7 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं स्कूल में और उसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है। और ये स्कूल जो है वो HSS लसाना, जो कि सूरन कोट में पड़ता है, यानी कि स्कूल को बंद कर दिया गया है। लेकिन मेन सवाल यही है कि जो लगातार स्टूडेंट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और स्कूल को खोल दिया जा रहा है, और इसके बाद ये भी कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि बाकी बच्चों के लिए भी 8th, 9th, 10th के लिए भी जल्द से जल्द स्कूल खोले जा सकते हैं, तो क्या ये सेफ है या नहीं है? क्योंकि बच्चे खुद में इस चीज़ के लिए सेफ नहीं फील करते हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे स्कूल नहीं भेज रहे, क्योंकि जिस तरह से स्कूल खुले और ये पॉजिटिव केसेस स्टूडेंट्स के सामने देखने को मिल रहे हैं, इस चीज़ को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अगर COVID-19 के जितने भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर होते हैं, गाइडलाइंस दी जाती है, वो फॉलो किए जाते हैं, तो कैसे बच्चों में संक्रमण पाया जा रहा है और कैसे नहीं। आप लोग अपनी राय देना ना भूलें कि ये स्कूल खोलना कितने ही सुरक्षित है और कितने नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलें और देखते रहें बाहू एक्सप्रेस।